इस बार जो निकाय चुनाव होने वाले हैं वो अतीक वर्सेस योगी की गोली पर होने वाले हैं, ये बात कितनी सच है, क्या कहना चाहते हैं? इनको माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, योगी जी ने करके दिखाया है। माफिया लोग तो वो भी हैं जो राजस्थान में दो बच्चों को जला दिया गया है। अपराधी अपराधी होता है। हाँ तो लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। एक टांगा जलाने वाला इतने अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक कैसे हो गया? जातिवाद को आज तक जिंदा क्यों कर रखा है? जितना हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है कि कहीं और सुरक्षित है ही नहीं। जहां हम खड़े हैं आप देख सकते हैं, यहां विकास है। बड़े नेता व्यापारी हो गए, जो जितना बड़ा धन देगा उसको उतनी जगह सेट किया जाएगा। नमस्कार, न्यूज वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। और आज हम मौजूद हैं यूपी के हापुड़ जिले में। देखिए, यूपी का जो हापुड़ जिला है, यहां के पापड़ बड़े फेमस है, तो यहां के पापड़ों का स्वाद तो हम बाद में जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी काम जो हम यहाँ पे करने आए हैं वो ये है कि यूपी में जो हाल फिलहाल में अतीक अहमद हत्याकांड जो हुआ है, उस अतीक अहमद हत्याकांड के बाद जो राजनीतिक गलियारों में बदलाव है उसके बारे में हम बात करेंगे। राजनीतिक गलियारों में कितना बदलाव की आशंका है, यहाँ की जनता से हम बात करेंगे और जानेंगे जनता का मूड क्या है, जानेंगे कि जनता जो है इस बार किस पार्टी की तरफ रुख करने वाली है और जानेंगे यहाँ की जनता का मूड। तो चलिए बातचीत करके इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे विकास के मुद्दे पर। आपको क्या लगता है, यहाँ पे जो मुद्दा जो चल रहा है, यहाँ पे गठबंधन जो है चल रहा है वो बड़ा विवाद में चल रहा है, तो विकास कितना हुआ है और कितने विकास की देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है मौजूदा, और भाजपा सरकार ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन जिस रोड पे आज हम खड़े हैं, शहर का एक ये मार्ग बुलंदशहर रोड है, ये दलित और मुस्लिम समाज ज़्यादातर जो ये वर्ग के लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं कि इस पर आपको विकास दिखाई देता है? जहां हम खड़े हैं आप देख सकते हैं यहां विकास है, तो बताइए सर्व समाज का कहां पर विकास हो रहा? ये तो सबका साथ और अपनों का विकास हुआ है, तो मैं तो मानता हूं कोई विकास है नहीं। और आज जो एक गठबंधन जो आप कह रहे हैं कि गठबंधन में जो एक इनका जो प्रत्याशी हैं और विरोध चल रहा है, आपने देखा अभी यहाँ से जो हमारे हापुड़ क्षेत्र से है बसपा पार्टी ने प्रत्याशी उतारे, पूर्व विधानसभा जो लड़े हैं प्रत्याशी उनकी मिसेज पुष्पा जी, हमारे हापुड़ में देखें आप चारों तरफ जो है बसपा का जोर है। क्यों? अगर विकास होता तो दिखाई देता। हमारा जो मेन मुद्दा है बहुजन समाज पार्टी का, वो विकास रहेगा और ऊपर वाले ने चाहे विकास करके दिखाएंगे। तो बात निकाय चुनाव की है तो विकास की बात तो होनी है, किस तरीके का विकास आप चाहते हैं और किस तरीके का विकास यहाँ पर अभी तक नहीं? भारतीय जनता पार्टी का तो कतरी और कन्नी में फर्क है ही, उनके पास ना कोई मुद्दा है, उनके पास तो गाय बैल और हिंदू मुस्लिम, इसके सिवा उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है। और जहाँ तक विकास, ये नगरीय जो चुनाव है इसमें कैंडिडेट और कैंडिडेट की क्षमता को देखा जाना चाहिए, लेकिन अब अजीब सा वातावरण है कि पार्टियों में कैंडिडेट को देखने की बजाय तराजू लेकर लोग बैठे हैं। बड़े नेता व्यापारी हो गए हैं, जो जितना बड़ा धन देगा उसको उतनी जगह सेट किया जाएगा। इसी बार का चुनाव हापुड़ ये तय करेगा। इस बार हापुड़ के लिए भी आप कह रहे थे कि हापुड़ के पापड़ बहुत मशहूर हैं, लेकिन हापुड़ की कहावत और मशहूर है कि चार पहर काफर और एक पहर हापुड़, यानी कि पूरे 24 घंटे को में पाँच पहर होते हैं, पांच भागों में बांटा गया, तो उन पांच भागों में से चार पहर हापुड़ काफर होता है, एक पहर हापुड़ होता है। तो जो लोग हापुड़ की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हापुड़ के लोग उनको सबक सिखाएंगे, जो हमारे बीच का अच्छा हमारे दुख दर्द बांटने वाला प्रत्याशी होगा उसे वोट देंगे, उसे जिताएंगे। इस बार एक और बात की जा रही है कि जो निकाय चुनाव जो होते हैं वो सफाई को लेके, डेवलपमेंट को लेके, नाली इन सब को लेके होते हैं, लेकिन इस बार जो निकाय चुनाव होने वाले हैं अतीक वर्सेस योगी की गोली पर होने वाले हैं, ये बात कितनी सच है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। अगर अतीक को मारा गया है तो अतीक का बैकग्राउंड छांटा जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर कानून है उसे सजा देने के लिए कोर्ट बैठा है, अदालत बैठी है, इन सब चीज़ों को अगर नज़रअंदाज करके सजा दी जाएगी तो ये गलत है। मतलब आपका कहना है कि असद का जो एनकाउंटर हुआ है वो गलत? गलत मैं ये नहीं कह रहा, गलत है, गलत नहीं कह रहा मैं, गलत साबित नहीं कर रहा, उसका बैकग्राउंड कोर्ट बैठा है। योगी जी ने जो कहा था विधानसभा में खड़ा होकर के, मैं इनको माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, योगी जी ने करके दिखाया है, योगी जी ने किया है, करके दिखाया है, योगी जी की पुलिस ने करके दिखाया है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, अभी आपका सवाल ये था कि ये जो चुनाव है
योगी जी की गोली और वर्ष अतीक, नहीं, हम अतीक का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम उन हथियारों का भी समर्थन नहीं करते हैं जिन्होंने पुलिस कस्टडी में उनको मारने का काम किया। आपने जांच करने के बाद में उनको गिरफ्तार किया और उस घटनाक्रम में आपने उनके सारे मिलने वाले साथियों के सबके मकान तोड़ दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन अभी तक आपने अतीक के हथियारों के खिलाफ, उन पर हथियार कहाँ से आए, उनकी मदद करने वाला कौन था, नहीं ये जांच अतीक वाले मामले में भी होनी चाहिए थी ना। जो प्रक्रिया, अगर अतीक गलत है तो वो जो अतीक के हत्यारे हैं वो उससे भी बड़े गलत है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन की बात असद और गुलाम 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 और असद का जो एनकाउंटर जो हुआ है, गुलाम और असद का एनकाउंटर मैडम, मेरा देखिए मेरा कहना ये है, ये जो हमारा देश है, लोकतंत्र देश है, इसकी एक व्यवस्था है, यहाँ कानून का राज है। ये अगर इस तरह से होगा तो जंगल राज कायम हो जाएगा, ढींग आदमी कमजोरों को मार देगा, ये इस तरह की हत्या नहीं होना। नहीं, माफिया लोग तो वो भी हैं जो राजस्थान में दो बच्चों को जला दिया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके घर पर भी बिल्डोजर चलना चाहिए। अगर योगी जी इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं तो उनको भी तो इंसाफ दिलाना चाहिए। तो कोई भी माफिया है अगर गलत कर रहा है तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन सबको बराबर देखना चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए। मेरा कहना ये है, हम एनकाउंटर की जो ये नई व्यवस्था चली है इसका मैं विरोध करता हूँ, और मैं केवल ये चाहता हूँ कि जब सरकार आपकी है, सारी पुलिस आपकी है, तो आपको निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और उसे न्यायपालिका में विश्वास रखना चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए थी। मेरा सवाल मैडम केवल इतना है कि आपने जो अभी आप देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि अतीक की और उनके जो भाई है उसकी परेड आपने क्यों कराई, मीडिया वाले कैसे पहुंचे, उनको कैसे जानकारी हुई कि अब उनको वहाँ हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, उनकी पीसी क्यों कराएगी, किसी भी अभियुक्त की जो जेल में कस्टडी में उसकी पीसी नहीं कराई जाती है। ये जिन पुलिस कर्मियों की लापरवाही थी, 17 पुलिस कर्मियां ऑन द स्पॉट सस्पेंड किए गए, अगर कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही थी तो उनको जो है दंडित किया गया। पुलिस ने क्यों नहीं चला इन लोगों पे, पुलिस में भी तो हथियार थे, तो अतीक के गुर्गों पे गोली नहीं चली थी तभी भी, उन्होंने गुर्गों ने मारा, अतीक के बेटे ने मारा, फायरिंग की गई, एक उमेश पाल को मारा गया, गनर को मारा गया, तो होता ऐसे तो तब भी फायरिंग नहीं हो पाई है, पुलिस ने उन लोगों को भी हथियार, पुलिस कि उसका बदला लिया गया है, नहीं आप कहना चाहते हैं उसका बदला लिया गया है, अगर उसके गुर्गों पे गोली नहीं चलाई तो आप कहते उसका बदला लिया गया, तो आप तो साफ साफ कह रहे हैं, नहीं नहीं आप तो साफ साफ, पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, किसी की मेंटेलिटी को पुलिस जो है चेंज नहीं कर सकती। पुलिस खामोश खड़ी रही, तीन लड़के आए, नए लड़के, उन पर गोली चला के चले गए, पुलिस खामोश देख रही है। देखिए जो हुआ, आपने फुटेज देखी है, सीसीटीवी देखा है, जो हुआ अचानक हुआ गया, ठीक है, पुलिस ने पकड़ा लोगों को उसी टाइम वहाँ पे पकड़ा, जो ऑन द स्पॉट पकड़ा, जो अगर एनकाउंटर हुआ है या हत्या हुई है तो वो अचानक हुई है ना। मैडम मेरी बात सुनो, पुलिस जब एनकाउंटर करना जानती है, जब धुआं धाए धाए गोली चल गई है, तो पुलिस भी तो उन पर गोली चला सकती थी। ये कहना चाह रहे हैं पुलिस पे बदला आना चाहिए, उनकी टांग में गोली, पत्रकार के रूप में जो मर्डर करने वाले हैं वो पत्रकार के रूप में आ रहे हैं तो अचानक कहाँ हुआ? एक बात बताइए, अगर कोई क्राइम करना आएगा तो दूर से गोली चलाएगा, बाकायदे कांधे से गोली चलाई गई है, कांधे पे हाथ रख के इतना करीब से कैसे आ गए? और 17 पुलिस वाले हैं, 3 मर्डर करने वाले हथियारे हैं, क्या 17 पुलिस वालों में से 2 पुलिस वाले 3 वाले ऐसा नहीं कि हथियारों को पकड़ते हैं, उन पर जवाबी फायरिंग करते, लेकिन दो हथियारों को एक पुलिस वाला पकड़ रहा है, तो ये तो भाई प्लानिंग है। जब ये बात पता है कि पूरा जो अतीक का जो पूरा फैमिली है, देखिए एक बात और बताइए, जब ये बात पता है कि अतीक की पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है और पूरा खानदान इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर सपा बार बार शाइस्ता को टिकट देने की बात क्यों कर रही है? सपा का शाइस्ता को टिकट देने का क्या मतलब है? देखिए ये हमारी जानकारी नहीं कि उसकी पूरी फैमिली में उन्हें, अभी कुछ लोगों ने बताया, देखिए ऐसा मैं तो नहीं कह सकता कि सभी मतलब मिले हुए हैं, लेकिन अतीक है, माफिया के नाम से जाना गया है, जाना जाता है, लेकिन कानून व्यवस्था है, कानून के दायरे में सजा दी जाए, उसका ये नहीं है, फिर कानून के फिर क्या दायरा रह गया, फिर कानून किस लिए बनाए गए हैं? कानून के दायरे में सजा दी जाए, जो कानून सजा देगा उसको माननीय होगा वो। यहाँ तो लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, वतन में नफरत का सैलाब बना डाला है, हर इंसान को शैतान बना डाला है, ये वतन की बात करने वाले ए लोगों, तुमने वतन को शमशान बना डाला है।
भाई वतन की बात कर रहे हो तुम लोगों, तुम सत्ता चला रहे हो, सत्ता में बैठे हो। सत्ता जो होता है प्रधानमंत्री वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री पूरी यूपी का मुख्यमंत्री है। उसके दर्जे में छोटा बड़ा नहीं है, मालदार गरीब नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, उसे सबको बराबर देखना चाहिए, सबको हक बराबर देना चाहिए। अगर अतीक गलत है उसे उसने सजा दी है तो अतीक के मारने वालों को। भैया जी ये तो बताइए कि शाइस्ता को टिकट क्यों देना चाहती है सपा? हम सपा वाले नहीं है, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का जिला मुख्य महासचिव हूँ। हम हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो सबकी आवाज़ उठाने वाले नेता हैं। हम गलत आदमी के साथ नहीं हैं, जो गलत करेगा हम उसके साथ नहीं हैं, सही करेगा सही के साथ खड़े होंगे, सही के साथ गलत होगा उसके साथ खड़े होंगे। इंसान आज़ाद है, शाइस्ता परवीन जो भी हैं अभी तक उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, वो कोर्ट में जाके सिद्ध होगा और उसके बाद ही जो है सपा अपना टिकट रोक सकती है। अगर कोई इंसान गलत साबित होता उसके बाद उससे किनारा करा जाता है। किसी को कोई भी घोषित करता रहे, घोषित करना अलग चीज़ होता है, साबित करना अलग चीज़ होता है, वो कोर्ट में जाए साबित हो जाए। रही बात अतीक की, बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ अतीक के नाम पे जो है बहुत देर से चर्चा हो रही है। अगर अतीक गुंडा है जो भी था उसकी हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है, उन चीज़ों के लिए कोर्ट है। राम के नाम पर राजनीति करने वालों से मेरा एक ये सवाल है, राम के नाम पर रामपुर रोड आज तक उनसे नहीं बना पूरे 5 साल से। पूरे करीमपुरा अली नगर और रामपुर, जो रामपुर के हिंदू भाई हैं हमारे वो आते हैं, उनको बहुत जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। हम शिकायत करते करते थक गए लेकिन उसका समाधान नहीं निकला। दूसरी बात, मौजूदा मेंबर बसपा से जीते हुए बाबुद्दीन हैं, उन आज तक इतना नहीं हुआ कि मस्जिदों के अंदर जो पानी जा रहा है वो नाले का पानी जा रहा है। दूसरी बात, पानी रोक दिया गया मस्जिदों का, ये कौन सा इंसाफ है भाई? या तो ये जो है राम के नाम पर राजनीति करने वालों के समर्थन, राम के नाम पे क्या, राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए ना, राम को क्यों बदनाम करा जाता है? सब हो जाने के बाद भी जो है शाइस्ता को टिकट देना चाहती है सपा, नहीं मैं अगर शाइस्ता को सपा टिकट देना चाहती है, अगर किसी की देखिए एक कुछ लोग तो केवल और केवल शाइस्ता और उसके परिवार को इसलिए उजाड़ने पर, शाइस्ता को लेकर नए नए कोई खुलासा नहीं है, सब ये साजिश, सरकार की साजिश है, केवल ये हिंदू मुस्लिमों का कार्ड खेला जा रहा है। मेरा कहना ये है कि शाइस्ता ही क्यों टारगेट पे है, शाइस्ता क्यों हो रहा है? केवल चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने के लिए एक साजिश चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े अदब के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और उनसे ज़्यादा जो उन्होंने जो चीर पैरा हुआ है मैं उसको अदब और सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो जो उनका लिबास है वो हमारे जो साधु संत हैं उनका लिबास है, जिनको हम श्रद्धा से जो है सम्मान करते हैं। वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे अब हिंदू मुसलमान के सबके मुख्यमंत्री हैं, पूरी जो जनता है प्रदेश की वो सबके मुखिया हैं। उनको अपना जो कदम है वो कदम सबके हित में उठाना चाहिए, उन्हें हम भी प्यार करते हैं, मैं दलित हूँ उन सम्मान करता हूँ, मुसलमान भी उनका सम्मान करते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है कभी कभी जिस तरीके से वो बोलते हैं उसको लेकर हमें बड़ा दुख होता है। उन्होंने सदन में कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए नेताओं का ये वाक्य ठीक नहीं है। उन्हें माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे से क्या? मिट्टी में मिलाने का मतलब ये होता है जैसे माफिया की बात, जैसे आम आदमी कहता है ना, ये जो उनका जो सेंटेंस था वो इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति के अनुरूप नहीं था। ये तो ऐसे होता है जैसे कोई आदमी थ्रेट देता है, वो उनको ये चाहिए कि जो उन्होंने कर रहे हैं बहुत अच्छा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ शाइस्ता के आंसू को कोई पूछना चाहता है, एक महिला अपराधी नहीं हो सकती है। महिला की मजबूरी ये है कि जिस व्यक्ति के साथ शादी उसकी हुई है उस परिवार में उसका रहना सहना होता है, उसको बहुत सारी बातें बेचारी को जानकारी नहीं होती हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो महिला है, ये जो भी प्लानिंग थी जो चल रहा था इतने दिनों से, ये कुछ भी करा जा रहा था आती कि ये सब पता नहीं, नहीं शाइस्ता को किसी में मेरा सवाल ही प्रॉपर्टी एक के बाद एक नहीं, वो परिवार अब मेरी पत्नी है, मैंने अपनी पत्नी के नाम सारी प्रॉपर्टी करा रखी है, आदमी ज़्यादातर अपनी पत्नियों के नाम करता है। मेरा कहना यह है कि यदि समाजवादी पार्टी शाइस्ता को टिकट देकर चुनाव लड़ाना चाहती है तो ये संवैधानिक व्यवस्था है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेताओं का समर्थन करता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेताओं से अपील करता हूँ कि उसको जिताएं और जिताने के बाद में उसको जो है वहाँ पुनः स्थापित करें। जो गलत है वो गलत, यूपी में जो कुछ हो रहा है सही व्यवस्था सही कानून के तहत हो रहा है और जो सही लोग हैं वो इस प्रतिक्रिया के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। अच्छा। जी हाँ, जो चल रही है, हाँ तो दुबे के साथ भी हुआ था तो वो ये गलत हुआ, तो वो भी सही के साथ भी हुआ था। तो
तो मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, जो दुबे साथ वही सही हुआ था, ये भी सही हुआ। मारना सही था जो कचेरी में कांड किया इन लोगों ने, उमेश पाल कांड किया है, एक जनरल को मार दिया गया। बताइए अगर ये लोग कह रहे हैं कि अतीक के साथ गलत हुआ तो वो उनके साथ की, वो उनके साथ सही हुआ। जो ऑन द स्पॉट वो आकर के फायरिंग कर रहे हैं, उसका बेटा इन्वॉल्व है, उसके गुर्गे इन्वॉल्व हैं, क्या वो कचेरी यानी वो कस्टडी में नहीं है एक तरीके की? वो जो गनर को मारा जा रहा है, एक गवाह को मारा जा रहा है सिर्फ गवाही देने के लिए, जिससे कि उसको सजा हो सकती थी अतीक को, इसलिए मार दिया गया। क्या वो जब सही नहीं है? वो लोग लॉ एंड ऑर्डर को धज्जे नहीं उड़ा रहे हैं? अब ये लोग कह रहे हैं कि ये अतीक के साथ गलत हुआ, बताइए क्या गलत हुआ अतीक के साथ? ऑन द स्पॉट जो है वो शूटर पकड़े गए हैं, पुलिस कर रहे थे वहाँ, पुलिस के हथियार क्या कर रहे थे? वो पुलिस के अधिकारी नहीं थे, पुलिस की नौकरी नहीं कर रहे थे, पुलिस से तनख्वाह नहीं ले रहे थे, क्या कर रहे थे आप बताइए? क्यों गोली नहीं चलाई पुलिस ने? पुलिस ने उन पे गोली क्यों नहीं चलाई? अगर अतीक के बेटे ने गलत किया है, उसने किसी को मारा है, उसको सजा मिली, उसका एनकाउंटर हुआ, तो मर्डर्स पे पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? अतीक पे गोली बदमाशों ने चलाई, पुलिस के हथियार क्या कर रहे थे? क्या उन पे गोली नहीं थी या नकली हथियार थे? अतीक ने गलत करा, वो मारा गया, लेकिन जिन्होंने अतीक के साथ गलत करा उनको भी तो मारा। आपका कहना है कि नकली पुलिस थी, नकली हथियार थे वे, नकली पुलिस थी और नकली हथियार थे। हाँ ऐसा है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि नकली पुलिस थी और नकली हथियार थे? नहीं, नकली गोली क्यों नहीं चलाई? पुलिस की बंदूक में गोली नहीं, अतीक पे उन्होंने गोली चलाई, पुलिस पे हथियार थे, पुलिस उन पे गोली चलाती, क्यों नहीं चलाई गोली? तो आप लोग उनको भी गलत साबित करते, लोग फिर कहते हैं कि पुलिस ने जो है निहत्ते लोगों को मार दिया, फिर आप ये जब योगी जी पे हमला होता तब कोई नहीं कहता? योगी जी को भी बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है। देखिए ऐसा है, अभी हाल फिलहाल में योगी जी को भी बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कोई वहां तक पहुंचेगा भी नहीं। एक टांगा चलाने वाला इतने अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक कैसे हो गया? नाम खोली दिया था उसने, लेकिन खोलने से पहले उसको शूट कर दिया गया। गरीबों की संपत्ति मार रहा था, इतने लोगों को उसने गरीबों की मार रहा था। जो लोग योगी जी को धमकी दे रहे हैं, तो क्या हमारे पास जेल नहीं है? क्या हमारे पास योगी जी के पास पुलिस नहीं है? बताइए हमारे पास किस चीज़ की कमी है? इंटेलिजेंट रिपोर्ट हमारे पास आती हैं तो हम उनको उठवा के बंद क्यों नहीं करा रहे? हमसे ढूंढे नहीं जा रहे? क्या वो विदेश में बैठे हुए हैं? और विदेश में बैठे हुए हैं तो क्या हमारी एम्बेसी क्या कर रही वहाँ पर? और अगर इनसे खुद को धमकी देने वाले नहीं पकड़े जा रहे तो मुझे मुख्यमंत्री बनवा दो, मैं पकड़ कर लाऊंगा कहाँ पे भी हो, वो पूरी दुनिया में कहीं भी भगवा दो उनको तुम, यहाँ से हर दिल्ली तक सब इन्हीं की सरकार बैठी है। तो ये जो असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ है, इसके बाद क्या मुस्लिम वोटर्स जो है योगी जी पर, बीजेपी पर अपना भरोसा जता पाएंगे, भरोसा कर पाएंगे दोबारा, कैसे कर पाएंगे? मैम ये जो हुआ है अतीक के साथ जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, उसके गुरु के साथ जो हुआ, मैं खुद मुस्लिम हूँ। वो पुलिस पे हमला कर रहे थे, कानून की धज्जी उड़ा रहे थे, पुलिस ने मार दिया, सही हुआ मतलब एनकाउंटर। अगर गलत करा है, गलत करेगा कोई भी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अतीक के बेटे ने गलत किया, पुलिस पे हमला किया, पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया, सही किया, लेकिन जो और लोग हैं गाड़ियों में बिठा के चला रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, योगी जी उनका क्या कर रहे हैं? उनको भी तो बाद में अति बात कर रहे हैं, जो दो शूटर थे उनकी, दो शूटर उन्हें जब गोली मारी तो उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? उन पर उनको ऑन द स्पॉट पकड़ा गया है, तो ऑन द स्पॉट पकड़ा गया है, बाकी की जांच चल रही है। किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जो राजस्थान वाला कांड हुआ, राजस्थान में सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। सरकार है राजस्थान में तो भैया नहीं है, क्या है? तो फिर आप लोग करने क्यों नहीं दे रहे कार्रवाई? आप लोग कार्रवाई करने क्यों नहीं दे रहे? आपकी कांग्रेस सरकार करने क्यों नहीं दे रही है? विपक्ष करने क्यों नहीं दे रहा है? विपक्ष पे अगर किसी को पकड़ने जा रही है पुलिस तो आप लोग कुछ ना कुछ नया मुद्दा निकाल देते हैं। तो अतीक अहमद जो अतीक का हत्याकांड है उसका पूरा असर बीजेपी पर पड़ सकता है? मैम कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि तो कुछ नहीं है। मुस्लिम जो है, जो कुछ लोग सपा बसपा के संरक्षण में जो है वो एक माफिया बन गए, लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया, वो कुछ लोग हैं मुस्लिमों में, और बाकी आम तबका जो है, जो पसमानदा समाज है, वो आज भी गरीब है। मुस्लिमों पर निशाना मत साधो, मुस्लिम किसी भी गुंडे का समर्थन नहीं करता है, मुस्लिम चाहता है कि कानून का राज हो।
हम किसी का कोई किसी का हम ये गुंडे का समर्थन किसी का नहीं करते हैं। कानून का राज होना चाहिए, ना पुलिस की गुंडागर्दी हो, ना किसी की डायरेक्ट आके गोली मारने की हिम्मत होनी चाहिए। कोर्ट में जाके सारे फैसले होने चाहिए। क्या असद जो मन करे तो वो कर दो। अपराधी अपराधी होता है, और जो दो अपराधी अभी नहीं पकड़े गए हैं, एक पकड़े गए हैं और दूसरे की जांच चल रही है, वो भी जल्द पकड़े जाएंगे। कानून के हाथ में आता है, ये भी ऐसा भी हो सकता है कि ये राजनीतिक कोई मतलब राजनीति हो इसमें भी, क्योंकि उसमें ऐसा लग रहा था, इसमें ये लग रहा था कि इसमें बहुत सारे नेता और मंत्री भी फंसने वाले थे, नेता और मंत्री फंसने वाले थे, और अगर ये कोर्ट में मामला जाता तो सालों के लिए बात टल जाती, क्योंकि कोर्ट में तत्काल फैसला नहीं होता। और वो अपराधी किसी धर्म का नहीं था, उसने मुसलमान भी सताए और उसने हिंदू भी सताए। जैसे कि आपने कहा कि कोर्ट में मामला जाता था तो फंस जाती, निकाय चुनाव करीब है, तो क्या लगता है ये निकाय चुनाव की रणनीति थी पूरी? नहीं, ये निकाय चुनाव की रणनीति नहीं थी, ये रणनीति कहीं डर था कि कहीं कोई नेता और मंत्री इसमें बहुत सारे फंसेंगे, वो विपक्ष के भी हो सकते हैं। अब सारे नेता यूं कह रहे हैं कि संविधान के तहत हो रहा जो कुछ हो रहा, संविधान के तहत हो रहा है? जब से देश आजाद हुआ संविधान के तहत कोई काम नहीं हो रहा। और नहीं तो बताओ सुनो, जातिवाद को आज तक जिंदा क्यों कर रखा इन नेताओं ने? जिंदा कर रखा 8 साल से देश में, अब जिंदा हुआ है मैम 60 सालों से कांग्रेस की। अब इंसान एक समान है, देश मनुस्मृति से नहीं चला, संविधान से चला। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। भाई जातिवाद तो जब खत्म होएगा, जब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में युवा सारे देश की संपत्ति को एकदम कायम कर सकते हैं। अब निकाय चुनाव में देख लीजिए, बीजेपी ने 200 से ज्यादा प्रत्याशी अपने जो है मैदान में उतारे निकाय चुनाव के अंदर। बताइए कौन सी जाति से चल रहा है? अभी जो निकाय चुनाव चल रहे हैं वो अतीक पे चल रहे हैं, अतीक हत्याकांड पे, योगी की गोली पे, सफाई का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, कहाँ का मुद्दा? तो इन्होंने जाति में और धर्म में घोल दिया ना, ये विपक्ष ने जाति और धर्म में घोल दिया। विपक्ष कह रहा है कि आपने जाति और धर्म में घोल दिया। जब नौकरी के लिए आरक्षण चाहिए तो ये जाति का फायदा लेते हैं, और जब आरक्षण नहीं मिलता तो ये फिर घूमते हैं। खत्म नहीं सरकारी खत्म नहीं करी है। खत्म कर दो, पर नौकरी तो हम क्या दे रहे हैं? तुम आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर दो, ठीक है? क्यों विरोध कर रहे थे आप? आरक्षण की बात चल रही है, आरक्षण पे चाचा जी बोल रहे हैं कि आरक्षण हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। आरक्षण पे चाचा जी का कहना है खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब आरक्षण खत्म करने की मांग की जाती है, जिनको आरक्षण नहीं मिला उनसे, तो ये लोग धरने पे बैठ जाते हैं। पूरी जानकारी बताइए, लेकिन जितनी है उतना मैं जवाब दूंगा। अब मैं फिर आप कैसे कह सकते हैं आरक्षण धरने पे बीजेपी वाले नहीं बैठ सकते? आरक्षण जो है, जैसे हम हैं, हम आरक्षण में आते हैं, हमारा आरक्षण हम पे लागू होता है। हमें फीस जमा, सभी को जर्नल लोगों को 2000 रुपये फीस जमा करनी होती है, और हमारी बिरादर को फीस जमा करनी होती है 1000। कुरैशी हैं हम, चिकुआ का सब हमारी जाति है, तो उसमें हमारा क्या है, उसमें एक नियम है कि जैसे ही हम थोड़ा सा गरीब रेखा से बाहर आते हैं तो हमें फीस, हम उस आरक्षण से बाहर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो सामान्य फीस है हमें वो जमा करनी चाहिए। तो मेरे वार्ड के अंदर सभी ने 1000 रुपये फीस जमा की है, और मैंने अपने कानून को मानते हुए 2000 रुपये फीस जमा करी है। उस आरक्षण से मैंने खुद साइड कर लिया खुद को। भूषण पर सांसद जी भरत भूषण पर FIR दर्ज हो चुकी है, जांच चल रही है, गिरफ्तारी भी होगी, अगर वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व पाए जाएंगे, ठीक है, दोषी पाए जाएंगे, सजा भी मिलेगी। कुलदीप सिंह सेंगर विधायक हैं हमारे बीजेपी पार्टी के, देखिए जेल में बंद है। सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है, कुलदीप सिंह सेंगर विधायक हैं बीजेपी के, और वो जेल में बंद है। के जो तार है वो शाइस्ता से और अतीक से जोड़े, बड़े बड़े नेताओं के लिंक अतीक से जोड़े जा रहे हैं, तो वो नेताओं के लिंक अतीक से जोड़े जा रहे हैं हत्याकांड के बाद, क्या पार्टी पर अलग अलग पार्टियों के जो नेताओं के लिंक जोड़े जा रहे हैं असर पड़ेगा इन पार्टियों पर? नहीं, कोई असर नहीं है, पड़ेगा, क्योंकि जो है अतीक खुद कहता था कि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव हैं, अतीक तो खुद कहता था, उनके संबंध तो करीबी हैं, मायावती से संबंध थे, क्या नहीं थे, उनकी पार्टी से सांसद भी बने हैं। अतीक को फिर दोबारा बाहुबली है, माफिया है, सब चीज है, गैंगस्टर, बड़े बड़े मुकदमे हैं, और फिर उसके बाद कभी कभी सपा की गोद में, कभी बसपा की गोद में ये बैठते आ रहे हैं लगातार, ये तो लगातार आते आ रहे हैं, ये तो माफियों को। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी,
वक्त ही बताएगा। अरे आप नहीं अभी नहीं बताएंगे, वक्त ही बताएगा। क्या लगता है जनता अपने चुनाव को जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन भी सही रिजल्ट देगी और इलेक्शन के बाद भी बिल्कुल पॉजिटिव ही जवाब देगी। चाचा जी क्या जनता जवाब देगी? मैं ये कह नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी अभी मेरे सामने एक बात आई कि पुलिस ने उन तीनों को क्यों नहीं मारा, और मैं ये कहना जो अतीत और असरत के हथियार के उनको क्यों नहीं मारा, अगर उनको मार देते तो ये राज कहाँ से खुलते, किसने मरवाया, कौन मारने वाला? आपकी सवाल कहाँ गए वो चाचा जी? अगर सागर का इसमें हाथ होता है तो उसे जेल में डालिए, उसमें मुकदमा चलाइए। आप देखिए ये डिबेट निकाय चुनाव पे हो रही है, ये डिबेट निकाय चुनाव पे हो रही है, और जहाँ तक चुनाव की बात है जनता काम देख के वोट करेगी, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार है, वोटर समझदार है, अगर उनको दिखाई देगा कि कार्य अच्छा हो रहा है, जो भी पार्टी बढ़िया काम करेगी, जो विकास करेगी, जो स्वच्छता का ध्यान रखेगी, उस पार्टी को जनता जिताएगी। बीजेपी पार्टी भेदभाव नहीं कर रही है, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है मंत्री माननीय मंत्री जी द्वारा, मोदी जी द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, सारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। निकाय चुनाव से पहले अतीक अहमद हत्याकांड एक प्रोपेगेंडा है, क्या लग रहा है? एक प्रोपेगेंडा है अतीक अहमद हत्याकांड, कितना असर पड़ने वाला है अब इसका चुनावों पर, निकाय चुनाव पर अतीक अहमद हत्याकांड का कितना असर? कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, पिछली बार भी जब विधायकी के चुनाव हुए थे मुस्लिम महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ कर बीजेपी को वोट दी थी, और आज भी बढ़ चढ़ कर वोट देगी, और जितना मुसलमान हिंदुस्तान में जितना हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है कि कहीं और सुरक्षित है ही नहीं। योगी जी ने पूरा पिछली सरकार का 5 साल पूरे किए, इसका इस सरकार का 1 साल से ज्यादा सा हो गया, 6 साल में बताइए कहाँ तो हापुड़ में किसका बुकुल बजने वाला है बताओ? भारतीय जनता पार्टी का बेटियाँ बचाओ बेटियाँ पढ़ाओ यही नारा चलता रहेगा। इस बार जो निकाय चुनाव होने वाले हैं वो अतीक वर्सेस योगी की गोली पर होने वाले हैं, ये बात कितनी सच है, क्या कहना चाहते हैं? इनको माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, योगी जी ने करके दिखाया है। माफिया लोग तो वो भी हैं जो राजस्थान में 2 बच्चों को जला दिया गया है। अपराधी अपराधी होता है। हाँ तो लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। एक टांगा चलाने वाला इतने अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक कैसे हो गया? जातिवाद को आज तक जिंदा क्यों कर रखा है? जितना हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है कि कहीं और सुरक्षित है ही नहीं। जहाँ हम खड़े हैं आप देख सकते हैं यहाँ विकास है। बड़े नेता व्यापारी हो गए, जो जितना बड़ा धन देगा उसको उतनी जगह सेट किया जाए।